Yes, guys, welcome back to Nagendra Naik Narratives. कैरम चैंपियनशिप चल रहा, चैंपियनशिप सॉरी, ओह बोलते वक्त ही मजा आ रहा है, चैंपियनशिप ना. अभी देखोगे तुम कि मैं और ये कैसे, मतलब मैं सपोर्ट कर रहा था, ये मार रहा था. बट जो भी है यार, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग जीत गए. नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड, ठीक है. अभी मैंने बोला है कि मैं सपोर्ट करने में ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, तुम थोड़ा खेलने का और ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि दो लोगों का साथ में खेलना पड़ेगा. सो ये लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपन जाते हैं, अपन वॉलीबॉल खेलते हैं. वॉलीबॉल का भी टूर्नामेंट है ना, चलो निकलो. नेक्स्ट टाइम ये ना साहू मल व्हाइट पार्ट है, व्हाट द वे द नेक्स्ट टाइम वी विल डू अपन जगह ही तो है. ए वंद हम बक क्या वंद जी को बेरगा वा ये दिन ये नहीं अच्छा पुडर बन पुडर बन. ओ वंदेड को जंकल विन नहीं आ. ओह वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड, टॉप लक. जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस गाय, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस गाय. नेक्स्ट राउंड. सॉरी गाइस, नो ऑटोग्राफ्स टुडे. ओके लाइक आए बार पे आवा. सो एनीवेज ठंडा पटे टफ कॉम्पिटिशन करता है. थैंक यू. ಇಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ. सो गाइज, एक शानदार जीत के बाद हम पहुंच गए घर. और वैसे तो देखो मिड ऑफ नवंबर है, ठंडी का मौसम है, लेकिन यार ऐसा मतलब पसीना हो रहा है ना, एकदम से पसीना हो रहा है. और ये पसीने की वजह से ना पूरा इधर इरिटेशन होने शुरू हो गया है. तो आई थिंक इट इज़ टाइम टू सी चिकना नागेंद्रा वापस अगेन. तो अभी एक बार पूरा साफ करके मिलते हैं. सो भाई और बहनों, ये क्यूट सा लड़का तो नहीं, जो भी है, ये क्यूट सा आदमी आप लोगों के सामने है. आज एक पर्सनल टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अकेले, सीधा सीधा अकेले कहीं जाऊँ, मस्त वाला खाना वाना खा के सेट होके आ जाऊँ. अब बातचीत तुम ही लोगों से कर लेता हूँ, चलो साथ में. सो गाइज, घर के काफ़ी पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टॉप टाउन, ठीक है. यहाँ पे घी राइस और कबाब मस्त मिलता है. तो ये देखो, ये मंडराए जा रहे, क्या हुआ तेरे को. ए, 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 ए. चलो अपन घी राइस और कबाब खाते हैं. तुम लोग देखो, मैं खा लेता हूँ. देखो ये है घी राइस और कबाब के ओनर, ठीक है. तो इनके यहाँ पे आए हैं अभी. भैया भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो. ये देखो भैया आ गया, जिसका मतलब खाना भी आ गया. ओहो, ये हो गया घी राइस, ये हो गया उसका ग्रेवी, और ये हो गया किंग साइज कबाब. हाँ. चलो अभी अटैक. देखो इधर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे देखो भाई वो भी घी राइस और कबाब ही खा रहे हैं, है ना, करेक्ट. तो यहाँ का खाना है मस्त वाला. सो पूरा डाल लिया, मिक्स कर लिया, और मजा आ जाता है यार, वेरी नाइस. और अब बारी है किंग साइज कबाब पीस के. ये खाते वक्त ना नहीं मनता, मन करता बात करने का. हम ऐसे मतलब
एक अलग दुनिया में चले जाते हो। तो ये है कभी कभार ना घर पे हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन आज सोचा बाहर जाके खाएं तो बट अब बस हो गया, अभी ख़त्म करके मिलता हूँ मैं। स्टे ट्यून्ड। देखो बात ये है कि व्लॉग तो बनेगा, मम्मी देखेगी, उनको पता चलेगा कि मैं कबाब खा के गया हूँ, तो इसीलिए डांट पड़ने से अच्छा है पार्सल ले लेते हैं। ठीक है तो पार्सल ले लिया, फ्री नहीं है, पेमेंट करके जाना है। रुको अम्मा कबाब दोन पीसेस तंतु, एक तुक्का एक मक्का, तो हडोड पीस। हाँ तो दे दिया और मैंने बोला दो पीस है, एक आपका एक मेरा, और उधर जो खा के आया था वो नहीं बताया। सर जो भी है थोड़ा फायदा तो उठा लेते हैं। इसका साइज देखो यार, इसका साइज देखो अम्मा, फुल खाउचे जप नो तू का जा। अम्मा राम और श्याम आज पीस है तो आज ना मैं एक बाइट खाऊ यार, तू कई बार ना हाँ। तो भाई और बहनों मैं घर पहुंच गया हूँ और एक दो चीज़ें बोलनी थी तुम लोगों से। वैसे देखो आई एम ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग 5000 सब्सक्राइबर्स, 4750 क्रॉस हो चुका है, एक 250 सब्सक्राइबर्स बचे हैं फॉर कंप्लीटिंग 5000। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर वॉचिंग द व्लॉग्स एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि 5000 का हमेशा एक अच्छा माइलस्टोन होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उस चीज़ से कि मतलब ठीक है योर जॉब इज़ नॉट ऑल दैट बैड एंड पीपल वुड स्टिल विश टू कंटिन्यू वॉचिंग यू। तो वो एक चीज़ है, मुझे वो सपोर्ट चाहिए। बाकी फिर यही था कि मतलब आई नो इट वॉज़ नॉट अ लैविश यू नो मी टाइम और एनीथिंग एज सच, बट जो भी था ऐसे गए, जाके कई रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के खा लिए, उधर जो भी था दो चार बकवास बातें कर लिए, और उसके बाद घर आए, मम्मी का एक क्या था ये कबाब आ वाला रिएक्शन अच्छा था। सो विद ऑल दैट थिंग वेरी लिटिल दैट हैपन्स इन द डे एज सच, बट देन आई लव टू डॉक्यूमेंट एंड ठीक है यार खुली किताब है उसमें क्या है। काफ़ी लोगों ने पूछा मेरे से कि डेली व्लॉग कर रहे हो यार, यू आर गिविंग अ कंप्लीट इंसाइट इन टू योर लाइफ, वियर्ड नहीं लगता क्या करके? शायद स्टार्टिंग में करते वक्त वियर्डनेस का तो इश्यू नहीं था मुझे, बट एक इश्यू था कि मतलब मैं जैसे परस्यू करता हूँ ना कि मतलब इवेंट फिल होगा डे ऐसा, बट डेली व्लॉग्स नीड नॉट नेसेसरीली हैपन दैट वे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या होते हैं, एंड देन यू नो एक्सेप्शनली ऑन द वीकेंड्स व्हेन यू डिसाइड टू ट्रैवल एंड ऑल दैट थिंग, तो उस टाइम में शायद कुछ मतलब तगड़ा सा इवेंट वेंट हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स जस्ट द डे एज इट पासिस बाय। सो आई थिंक दैट्स इट, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला एक बार कर देना यार प्लीज़, इट विल हेल्प मी अलॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नागेंद्र नायक नैरेटिव्स, स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो, टाटा।